असद कैसल का कहना है कि मुल्क में आइन है ही नहीं, मुल्क के साथ खलवाड़ हो रहा है। तफसीलात के मुताबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसल ने कहा है कि स्पीकर को गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली में जाने से रोक कर क्या पैगाम दिया गया है, इस मुल्क में कौन सा कानून है, दुनिया में हमारा तमाशा बना हुआ है और जमहूरियत के साथ मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि पीडीएम से पूछता हूँ, ये कौन सी जमहूरियत है? अगर आपने इस तरह की सियासत करनी है तो माशाल्लाह इससे बेहतर है। दूसरी जानिब असद कैसर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि मुझे खुशी है, अदालत ने आज इंसाफ किया और पुलिस ने तासुब के बुनियाद पर जो केस मुझ पर बनाया था, अदालत ने पुलिस के मौकफ को मुस्तरद करके मुझे जमानत दे दी। अगर गिलगित बाल्टिस्तान का स्पीकर असेंबली नहीं जा सकता तो हम क्या पैगाम दे रहे हैं?